और झारखंड में आज हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। आज दोपहर 12 बजे राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सोरेन कैबिनेट में इस बार क्षेत्रीय, स्थायी, जातीय समीकरण और महिला समीकरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, नए चेहरों को भी सीएम हेमंत सोरेन मौका दे सकते हैं, साथ ही पुराने चेहरों पर भी फिर से भरोसा जताया जा सकता है। हालांकि दल से कितने मंत्री बनेंगे अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। और इससे पहले 28 नवंबर को राज्य में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देखिए, चूंकि गठबंधन की सरकार है तो जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और निश्चित रूप से सब लोग उसमें कोशिश यही करेंगे कि सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। और जो मूल मकसद है इस झारखंड को आगे ले जाना, निश्चित रूप से सब लोग मिलकर माननीय हेमंत सोरेन जी के उस सपने को पूरा करेंगे जो उन्होंने कहा था कि इस राज्य को देश का नंबर वन राज्य बनाना है, तो उसमें सब लोग अपना सहयोग देंगे, पूरी उम्मीद है हमें। और झारखंड बहुत आगे इस कार्यकाल में और आगे बढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा। और झारखंड में आज होने वाले कैबिनेट विस्तार में जिन चेहरों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें जेएमएम कोटे से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, एमटी राजा, अनंत प्रताप दे, सविता महतो का नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस कोटे से जिन चेहरों को मौका दिया जा सकता है उनमें रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कुरांडी, कुमार जयमंगल मंत्री बनाए जा सकते हैं। और साथ ही प्रदीप यादव, श्वेता सिंह, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की भी आज मंत्री पद में शपथ ले सकती हैं। वहीं आरजेडी के कोटे से एक मंत्री बनाया जा सकता है। इनमें सबसे पहला नाम देवघर के विधायक सुरेश पासवान है जो राजद विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पहले मंत्रिमंडल बनने दो, उसके बाद सीएलपी भी होगा, डिप्टी सीएलपी भी होगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हाउस में, चीफ व्हिप भी होगा, व्हिप भी होगा, वो सारा इंटरनल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल काम है, वो उस तरह से होगा। पर सरकारी तौर फिलहाल हमारे जो नाम जाने होंगे वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी राजभवन भेजेंगे और 12 बजे के आसपास उनका ओथ होगा।